हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द मंजिल भारत। कैसे हैं आप सब? आई होप यू ऑल आर फाइन। लास्ट वीडियो लेक्चर में हमने फरवरी मंथ के, फरवरी 2024 के वो टॉपिक्स कवर किए थे जो न्यूज़ में रहे हैं नेशनल लेवल पे। पार्ट वन था वो। टुडे मैं आपके लिए लेके आई हूँ पार्ट टू। आज हम जो इंटरनेशनल फ्रंट पे और जम्मू एंड कश्मीर से रिलेटेड न्यूज़ फरवरी मंथ में रही है उसे डिस्कस करेंगे। आज के वीडियो लेक्चर में थोड़ा सा चेंज है। आज हम MCQs के फॉर्म में इन न्यूज़ को डिस्कस करेंगे, ठीक है? जो भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स न्यूज़ में रहे इंटरनेशनल और JNK के लेवल पे, उसका हम MCQs पहले सॉल्व करेंगे और फिर हम उसको रिलेटेड जो भी इंपॉर्टेंट डेटा है जिस पे क्वेश्चंस आ सकते हैं उसे डिस्कस कर लेंगे, ठीक है? तो स्टार्ट करें। पहला क्वेश्चन जो है, दैट इज जस्ट फॉर रिवीजन, ये हम ऑलरेडी प्रीवियस वीडियो लेक्चर में डिस्कस कर चुके हैं, जो फरवरी मंथ की करंट अफेयर्स है। आपको बताना है दादा साहेब फाल्के अवार्ड 2024 का बेस्ट एक्टर के लिए किसे मिला है। ये जो अवार्ड्स होते हैं रिसेंटली दिए जाते हैं, चाहे सिनेमा से रिलेटेड हो, चाहे लिटरेरी अवार्ड हो, चाहे सिविलियन अवार्ड्स हो, हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड्स हो, ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, क्योंकि अगर आप प्रीवियस ईयर्स के पेपर्स देखेंगे ना तो इनसे रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। PSC भी पूछता है, JKSSB भी पूछता है, तो आप इन्हें इग्नोर नहीं कर सकते। यू नीड टू नो दैट, ठीक है? तो आपको बेस्ट एक्टर का अवार्ड बताना है एंड द करेक्ट आंसर इज शाहरुख खान, जो कि उन्हें मिला है फॉर द मूवी जवान। जवान मूवी के लिए उनको मिलता है ये अवार्ड। अगर एक्ट्रेस की बात करें तो दैट इज वो मिलता है रानी मुखर्जी को। ये हमने प्रीवियस लेक्चर में डिस्कस किया था, बाकी डिटेल भी मैंने आपको बताई थी। बेस्ट एक्टर क्रिटिक, बेस्ट एक्ट्रेस क्रिटिक किसे मिला वो आप वहां जाके चेक कर सकते हैं। ये मिलता है फॉर द मूवी मिसेस चैटर्जी वर्सेस नॉर्वे। ये बहुत ही उम्दा मूवी है। इसे देख के पता चलता है कि इंडिया में पैदा होना, इंडिया में जीना, इंडिया में रहना इज सच अ ब्लेसिंग। बाहर के अगर आप रूल्स एंड रेगुलेशन देखें तो वो बहुत ही वियर्ड है। वहां पे कब किस तरह से आपके राइट्स को वायलेशन हो जाए आपको पता भी नहीं चलेगा, ठीक है? सो रानी मुखर्जी को मिलता है बेस्ट एक्ट्रेस अवार्ड, दादा साहेब फाल्के अवार्ड, और शाहरुख खान को मिलता है जवान के लिए बेस्ट एक्टर अवार्ड, दादा साहेब फाल्के अवार्ड, जिनको कहा जाता है फादर ऑफ इंडियन सिनेमा ऑल्सो, ठीक है? बड़े आगे, तो पहली जो इंटरनेशनल न्यूज रही फरवरी मंथ में वो थी करप्शन परसेप्शन इंडेक्स के बारे में। तो ये जो क्वेश्चन है ये पूछ रहा है कि इंडिया का क्या रैंक रहा करप्शन परसेप्शन इंडेक्स में। अब जो इंडेक्सेस होते हैं, इंडाइसेस होते हैं, ये ईयरली रिलीज होते हैं, कुछ दो साल में एक बार होते हैं, कुछ एक साल में एक बार होते हैं। जो भी रीसेंट न्यूज में रहते हैं, जब आपका एग्जाम कंडक्ट होता है पिछले 6 महीने में या पिछले साल में, जो भी इंडेक्सेस न्यूज में रहते हैं वो आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। आपको 2-3 चीजें उसमें जाननी बहुत जरूरी होती है। पहला कि वो पर्टिकुलर इंडेक्स निकालता कौन है, कौन सी ऑर्गेनाइजेशन है जो उस इंडेक्स को रिलीज करती है। दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट हो जाता है कि इंडिया की उस पर्टिकुलर इंडेक्स में क्या रैंकिंग रही है। और थर्ड इंपॉर्टेंट पॉइंट हो जाता है कि टॉप कंट्रीज कौन सी रही। दिस 3 थिंग्स यू नीड टू नो, इतना आपके लिए मोर देन सफिशिएंट है। करप्शन परसेप्शन इंडेक्स की बात करें तो इसे रिलीज करती है ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल। ये एक ऑर्गेनाइजेशन है जो इस बेसिस पे रैंकिंग निकालती है कि कौन से कंट्री में कितना ज्यादा करप्शन फैला हुआ है, ठीक है? 0 से 100 के बीच में जो है स्कोर्स दिए जाते हैं कंट्रीज को। 0 स्कोर मतलब बहुत ज्यादा करप्ट, 100 स्कोर मतलब कि वो पर्टिकुलर कंट्री जो है बहुत क्लीन है। उसके बेसिस पे कंट्रीज को रैंकिंग दी जाती है। अगर कंट्रीज की बात करें तो टोटल 180 कंट्रीज जो है जिनको इसके अंडर जो है रैंक किया जाता है, ठीक है? आपको यहाँ पे पूछा है कि इंडिया का क्या रैंक है, आपको इंडिया का रैंक इसमें बताना है, ठीक है? तो ऑप्शंस को देखें तो ऑप्शन कहता है 83, 85, 93 एंड 90। तो करेक्ट आंसर की बात करें तो करेक्ट आंसर इज 93। तो 2023 का जो करप्शन परसेप्शन इंडेक्स रिलीज हुआ है उसमें इंडिया का रैंक रहा है 93। बाकी डिटेल्स की बात करें तो यहां मैंने लिखा है, आप वीडियो पॉज करके पढ़ सकते हैं, जो मैं आपको बता रही थी, दैट इज कि ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल इसे निकालती है। जो स्कोर दिया जाता है वो 0 to 100 दिया जाता है। टोटल कंट्रीज जो इसमें इन्वॉल्व है दैट इज 180 कंट्रीज, ठीक है? पब्लिक सेक्टर पे कितनी करप्शन है उस बेसिस पे जो है कंट्रीज को रैंक किया जाता है। बात करें टॉप परफॉर्मर्स की तो डेनमार्क, फिनलैंड, न्यूजीलैंड, दीज आर द टॉप परफॉर्मर। डेनमार्क, फिनलैंड,
एंड न्यूजीलैंड, ठीक है, मोस्टली जो जो स्कैंडिनेवियन कंट्रीज होती है ना, यूरोपियन कंट्रीज जो है, वो हर एक रैंक, हर एक इंडेक्सेस में ना, इंडेक्सेस जो भी रिलीज होते हैं, इंडेक्स होते हैं, इनका जो रैंक होता है टॉप ही रहता है, क्योंकि एडमिनिस्ट्रेशन में देख लें, बाकी आप पब्लिक सर्विसेज में देख लें, हर चीज में टॉप है, क्योंकि इन्होंने बहुत अच्छी तरह से मैनेज किया है. एक तो पॉपुलेशन कम है, रिसोर्सेज ज्यादा है, ठीक है. तो टॉप परफॉर्मेंस की बात करें तो टॉप परफॉर्मेंस में रहे हैं फिनलैंड, डेनमार्क एंड न्यूजीलैंड. बॉटम परफॉर्मेंस की बात करें तो म्यांमार, अफगानिस्तान एंड नॉर्थ कोरिया, जो आप नाम से कर सकते हैं कि यहाँ पर जो कंडीशन है, जो स्टेबिलिटी है, वो बहुत कम रहती है. दैट्स वाई दीज कंट्रीज आर कंसिडर्ड एज अ बॉटम परफॉर्मर इन द करप्शन परसेप्शन इंडिया. तो इंडिया की बात करें तो 93 रहा है लास्ट ईयर, और उससे प्रीवियस ईयर की बात करें तो 85, ठीक है. 93 इंडिया का रैंक रहा है, 93 और 85 रहा है 2022 में, ठीक है. तो स्कोर की बात की हमने, 0 to 100 स्कोर दिया जाता है. 0 स्कोर होगा तो बहुत ज्यादा करप्ट, 100 स्कोर होगा तो क्लीन कंट्रीज. उसी तरह से जितना बड़ा रैंक होगा वो कंट्री उतनी करप्ट है, जितना लोअर रैंक होगा उतनी ही वो क्लीन है, ठीक है. तो टॉप फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड रैंक. अब यहां पर अगर आप देखते हैं 2022 में हम 85 रैंक पे थे, ठीक है, और अब हम 93 पे हो गए, यानी कि करप्शन बढ़ गई है, हम स्लिप हो गए नीचे. वही मैं आपको बात कर रही थी कि जब आप कोई भी एग्जाम क्रैक कर लेंगे, जो भी एग्जाम आप क्रैक करना चाहते हैं, ये आपका रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है, ये आपकी जिम्मेदारी बनती है कि आप जब उस पोस्ट पे बैठे तो पूरी डिलीजेंस के साथ, पूरी इंटीग्रिटी के साथ काम करें, ठीक है, ताकि ये जो करप्शन का लेवल है ना, ये थोड़ा सा डाउन आ सके, ठीक. चले आगे. तो नेक्स्ट न्यूज जो रही है फरवरी मंथ में, दैट वॉज ब्लू टंग डिजीज, ठीक है. तो यहां क्वेश्चन पूछ रहे हैं कि ये जो ब्लू टंग डिजीज है वो किस टाइप की डिजीज है, आपको बताना है. ब्लू टंग डिजीज इज व्हाट टाइप ऑफ डिजीज, क्या ये बैक्टीरियल है, क्या ये प्रोटोजोअल है, क्या ये वायरल है, क्या ये पैरासाइटिक है, ठीक है. सो ब्लू टंग डिजीज जो है ना, रिसेंटली न्यूज में रही है, चाइना ने कुछ जो रूमिनेंट्स होते हैं, रुमिनेंट्स क्या होते हैं, रुमिनेंट्स होते हैं वो जानवर जो मोस्टली हर्बीवोरस होते हैं, लेकिन जैसे आप गाय को देखते हैं ना, वो खा लेती है और उसको थोड़ी देर बाद तक, काफी टाइम तक अपने मुंह को चबाती रहती है, वो जो खाना उसने खाया होता है उसको दोबारा से अपने मुंह में लाती है, देन वो उसको चबाती रहती है और उससे एनर्जी फुल डे लेती रहती है. सो दैट इज कॉल्ड रुमिनेशन, उस प्रोसेस को रुमिनेशन कहते हैं, और उन सभी एनिमल्स को जो इस तरह का प्रोसेस फॉलो करते हैं उन्हें रुमिनेंट्स कहते हैं, ठीक है. तो रुमिनेंट्स ने, चाइना ने अभी जो इंपोर्ट है रुमिनेंट्स का वो बंद किया, क्यों, क्योंकि उनमें पाई गई दिस पर्टिकुलर काइंड ऑफ डिजीज, दैट इज ब्लू टंग डिजीज, ठीक है. फरवरी में ये न्यूज में रही है. सो व्हाट काइंड ऑफ दिस डिजीज इज, वायरल डिजीज है, ठीक है. मोस्टली किसे अफेक्ट करती है, जैसे मैंने बताया हर्बीवोरस एनिमल्स होते हैं, कैटल को, गोट को, शीप को, ठीक है. सो इनको ये अफेक्ट करती है, वायरल डिजीज है, नॉन कंटेजियस है. ऐसा नहीं है कि एक जानवर को होगी तो उससे फिर दूसरे जानवर को फैल जाएगी, वैसा नहीं है एक, लेकिन ये एनिमल्स में पाई जाती है, कंटेजियस नहीं है, ठीक है. कंटेजियस आप समझे, कंटेजियस का मतलब होता है जब एक इन्फेक्टेड पर्सन से हेल्दी पर्सन में वो ट्रांसपोर्ट हो जाती है, पर्सन या फॉर दैट मैटर एनिमल्स, ठीक है. सो इट इज अ नॉन कंटेजियस वायरल डिजीज, होती किसकी वजह से है, ड्यू टू द बाइट ऑफ इंसेक्ट. वायरस है, ट्रांसमिट होता है एक इंसेक्ट के काटने से, ठीक है. तो कंटेजियस नहीं है, इन्फेक्शन, इन्फेक्टेड जो एनिमल से उससे हेल्दी एनिमल में नहीं ट्रांसमिट होगा, ट्रांसमिट होगा जस्ट वाया इंसेक्ट, ठीक है. सो ब्लू टंग डिजीज इज अ वायरल डिजीज, ठीक है. और ये जो पर्टिकुलर वायरस है वो आरएनए फैमिली से बिलोंग करता है. क्लियर हो गया, दैट वॉज द थर्ड न्यूज. बढ़े आगे. ओके, आगे जो ये वही डिटेल है जो मैंने आपको बताई है, अगर आप पढ़ना चाहें तो रीड आउट कर सकते हैं वीडियो पॉज करके. ओके, नेक्स्ट है, आपको बताना है हु अमंग द फॉलोइंग इज नॉट अ मेंबर ऑफ बिमस्टेक. आपको बताना है इनमें से कौन जो है बिमस्टेक का मेंबर नहीं है. तो बिमस्टेक की फुल फॉर्म की बात करें तो बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव मल्टी विजिबल है, मल्टी सेक्टोरियल, बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव मल्टी सेक्टोरल टेक्निकल एंड इकोनॉमिक कोऑपरेशन,
ये एक ऑर्गेनाइजेशन है, साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज ने मिलकर बनाई है अपने बीच में कोऑपरेशन को बढ़ाने के लिए। और रिसेंटली इसकी इंटर मिनिस्ट्रियल मीटिंग हुई थी, कॉन्फ्रेंस हुई थी फरवरी मंथ में, इसीलिए ये न्यूज में रहा था। तो आपको बताना है कि इनमें से कौन है जो बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव का, बिमस्टेक का मेंबर नहीं है। यू हैव टू टेल नॉट अ मेंबर। क्या है ऑप्शन? भूटान, बांग्लादेश, मालदीव्स एंड म्यांमार। सो द करेक्ट आंसर इज मालदीव्स। मालदीव जो है वो इसका मेंबर नहीं है, बिमस्टेक का मेंबर मालदीव नहीं है। ठीक है, तो कौन मेंबर है इसके? इसके टोटल 7 मेंबर्स हैं। कौन कौन से? इंडिया, बांग्लादेश, भूटान, म्यांमार, नेपाल, श्रीलंका एंड थाईलैंड। तो इंडिया और उसकी नेबरिंग कंट्रीज और एक दो बियॉन्ड भी साउथ एशियन कंट्रीज हैं। अपने आपस में जो कोऑपरेशन है उसको बढ़ाने के लिए इस ऑर्गेनाइजेशन को सेट किया गया था। कब ये सेट हुई थी? 1997 में। कौन सी डेक्लरेशन पर? बैंकॉक डेक्लरेशन पर ये बेस्ड है। बैंकॉक इज इन थाईलैंड, तो उसकी डेक्लरेशन वहां पे ये सब कंट्रीज ने मिलकर ये सहमति जताई कि हमें आपस में जो कोऑपरेशन है उसे बढ़ाना चाहिए ताकि इस पर्टिकुलर एरिया की, साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज की इस एरिया की डेवलपमेंट हो सके। तो 1997 में ये स्टार्ट होती है। अगर इसके सेक्रेटेरिएट की बात करें तो दैट इज इन द ढाका। ठीक है, क्लियर है, बड़े आगे। तो बिमस्टेक ग्रुपिंग न्यूज में रही तो उसके बारे में आपको जानने की जरूरत है कि उसके मेंबर्स क्या है, कब ये फाउंड हुआ और उसका सेक्रेटेरियट कहां पर है। क्लियर हो गया? ओके, हु रिलीज लॉजिस्टिक परफॉर्मेंस इंडेक्स। जैसे मैंने आपको बताया जो भी इंडाइसेस न्यूज में रहे हैं वो आपको जानना जरूरी है। तो फरवरी मंथ में एक तो करप्शन परसेप्शन इंडेक्स रहा न्यूज में, दूसरा जो था दैट वॉज लॉजिस्टिक परफॉर्मेंस इंडेक्स। तो आपको जानना है कि ये कौन रिलीज करता है। WEF इज वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम, IMF इज इंटरनेशनल मॉनिटरी फंड, थर्ड आता है वर्ल्ड बैंक एंड डी इज यूनाइटेड नेशन। सो द करेक्ट आंसर इज वर्ल्ड बैंक। वर्ल्ड बैंक जो है वो रिलीज करता है लॉजिस्टिक्स परफॉर्मेंस इंडेक्स। ठीक है, और ये बताता है कि जो ट्रेड की फैसिलिटीज हैं, ट्रेड्स की जो कंडीशंस हैं पर्टिकुलर नेशन में वो कैसी हैं, इस बेसिस पे कंट्रीज को रैंक किया जाता है। तो अगर इंडिया के रैंक की बात करें दैट वॉज 38। इंडिया का रैंक रहा 38 out of 139 countries, ठीक है? So it helps in identify the challenge and opportunities in performance of trade logistic, ठीक है? जो भी business करना है, जो भी trade करना है, उसके लिए जो basic facilities चाहिए, land, raw material, electricity, उन सब की availability में क्या challenges हैं, क्या चीजें available है easily, उन सब के base पे ranking की जाती है, ठीक है? So that was logistics performance index released by World Bank, in which India's rank is 38 out of 139 countries. ठीक है, आगे बढ़े। नेक्स्ट इंटरनेशनल न्यूज वॉज नेम द फर्स्ट प्राइवेट इंडस्ट्री कमर्शियल अमेरिकन स्पेसक्राफ्ट व्हिच हैज रिसेंटली लैंडेड ऑन मून। तो एक प्राइवेट स्पेसक्राफ्ट, अब नेशनल स्पेसक्राफ्ट्स तो बहुत आए हैं, नॉर्थ पोल ऑफ मून पे भी हुए हैं, साउथ पोल पे भी, हमने भी अपना चंद्रयान भेजा है, लेकिन ये है प्राइवेट। ठीक है, इट इज प्राइवेट, पहला प्राइवेट स्पेसक्राफ्ट और वो भी अमेरिकन। ये आपको बताना है कि ये किस कंपनी का है जो कि मून पे लैंड हुआ है। टेलीमैकस, पेनिलोप, एकाइलस, ओडिसेस। इसका आपको सिर्फ नाम पता होना इज सफिशिएंट। साइंस एंड टेक से रिलेटेड क्वेश्चन अगर पूछे जाए तो उसमें ये पूछ सकते हैं, तो आपको इसका नाम पता होना चाहिए। एंड द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन डी, दैट इज ओडिसेस। दिस इज अ प्राइवेट कंपनी, अमेरिकन प्राइवेट कंपनी, जिसका जो पहला स्पेसक्राफ्ट जो है साउथ पोल में ऑफ साउथ पोल नहीं, पोल इज नॉट स्पेसिफाइड, पोल नहीं बताया गया है, वो सिर्फ मून पे लैंड हुआ है। ठीक है, प्राइवेट कैटेगरी का है और मून पे लैंड हुआ है रिसेंटली। क्लियर है? ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज रिसेंटली विच कंट्री हैज बिकम द 119th कंट्री टू ज्वाइन ISA। ISA इज इंटरनेशनल सोलर अलायंस। आपको बताना है रिसेंटली इंटरनेशनल सोलर अलायंस किस कंट्री ने ज्वाइन किया है। ये सोलर अलायंस जो है वो इंडिया और फ्रांस ने मिलकर बनाया था, स्टार्ट किया था, और इसका जो मकसद था वो ये था कि पूरे वर्ल्ड में जो सोलर एनर्जी है उसकी प्रोडक्शन की तरफ फोकस किया जाए। और मोस्टली जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर आपने पढ़ा होगा, जो
23.5 डिग्री नॉर्थ में जो भी कंट्रीज ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के आसपास लाई करती हैं उन सब की इन्वॉल्वमेंट इसमें जो है रखी गई थी इंटरनेशनल सोलर अलायंस में, ठीक है। अनाउंस जो है ये किया गया था 2015 में, और इसके फाउंडिंग मेंबर्स जो थे वो थे इंडिया और फ्रांस। इंडिया और फ्रांस ने टुगेदर ही मिलकर ये डिसाइड किया था कि इस तरह का एक अलायंस बनाना चाहिए जहां पे सारी कंट्रीज जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के आसपास पड़ती हैं वो मिलकर सोलर प्रोडक्शन, सोलर एनर्जी के प्रोडक्शन की तरफ फोकस करें और इसकी जो अवेलेबिलिटी है वो होल वर्ल्ड में प्रोवाइड कराई जाए। तो रिसेंटली एक कंट्री ने इसे ज्वाइन किया है जो बन गई है 119th कंट्री, ठीक है। पहले ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पे फोकस था बट लेटर ऑन इट एक्सटेंडेड टू ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन ऑल्सो, ठीक है। तो 23.5 नॉर्थ एंड 23.5 साउथ दोनों, ठीक है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर एंड ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन दोनों के बीच में जो कंट्रीज पड़ती है, पहले सिर्फ ट्रॉपिक ऑफ कैंसर को फोकस किया गया था, लेटर ऑन इट वॉज एडेड ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन ऑल्सो, ठीक है। अब आपको कंट्री का नाम बताना है, साइप्रस, मोनाको, लग्जमबर्ग और माल्टा, एंड द करेक्ट आंसर इज माल्टा, ठीक है। माल्टा बन गई है 119th कंट्री टू ज्वाइन इंटरनेशनल सोलर अलायंस। चले आगे, ओके। नासा हैज ज्वाइंड हैंड विद विच कंट्री टू लॉन्च वर्ल्ड्स फर्स्ट वुडन सैटेलाइट, ठीक है। सैटेलाइट तो बहुत लॉन्च हुई है, बहुत सारी कंट्रीज ने आपस में मिलकर एक दूसरे को कोऑपरेशन से सैटेलाइट्स लॉन्च की हैं। अभी रिसेंटली आज ही हमने भी एक और सैटेलाइट को लॉन्च किया है जिसपे फॉर द अर्थ की जो मॉनिटरिंग के लिए, ताकि जितने भी कैलमिटीज हो रही हैं उसको हम अच्छे से मॉनिटर कर सके, सतीश धवन जो सेंटर है हमारा श्रीहरिकोटा में, उससे हमने लॉन्च किया है आज ही। तो सैटेलाइट्स तो लॉन्च होती रहती है, सभी कंट्रीज करती रहती हैं, बट यहाँ क्या डिफरेंट है, वुडन सैटेलाइट, पहले वुडन सैटेलाइट हो रही है लॉन्च। तो नासा और कौन सी कंट्री उसके साथ जुड़ी है, जापान, फ्रांस, यूके और जर्मनी। और ये जो वुडन सैटेलाइट है ना, ये जब लॉन्च की जाएगी तो जब ये अर्थ के एटमॉस्फेयर से बाहर निकलेगी तब इसे कुछ नहीं होगा, इसकी बॉडी बर्न नहीं होगी, बट जब ये स्पेस से वापस अर्थ के एटमॉस्फेयर में एंटर करेगी तब ये बर्न आउट हो जाएगी, क्योंकि तब फ्रिक्शन से जो है एयर का जो ब्लैंकेट हमारे अर्थ के आसपास होता है, जब सैटेलाइट वापस एंटर करेगी तो उससे ये फ्रिक्शन की वजह से ये बर्न आउट हो जाएगी, और बर्न आउट होने की वजह से जो इसके एशेस होंगे ना उसकी स्टडी करना वो भी बहुत बेनिफिट होगा, ठीक है। तो इसीलिए ये पर्टिकुलर टाइप ऑफ वुडन सैटेलाइट को लॉन्च कर रही है नासा प्लस जापान, नासा और जापान की जो एक्सप्लोरेशन एजेंसी है दैट इज जाक्सा, ठीक है, जापान एरोस्पेस एक्सप्लोरेशन एजेंसी, ठीक है, जापान एरोस्पेस एक्सप्लोरेशन एजेंसी, ठीक है। नासा और जापान मिलकर प्लान कर रहे हैं वर्ल्ड की फर्स्ट वुडन सैटेलाइट जिसका नाम होगा लिग्नोसैट, द नेम विल बी लिग्नोसैट, ठीक है। लिग्नोसैट नाम की एक वुडन सैटेलाइट को स्पेस में लॉन्च करने का सोच रहे हैं, ठीक है। और ये बनी किस वुड से होगी, अ स्पेसिफिक काइंड ऑफ वुड दैट इज कॉल्ड मैग्नोलिया वुड, जो जब लॉन्च करेगी तब वो बर्न आउट नहीं होगी, बट व्हेन इट कम्स इट रिटर्न बैक टू अर्थ एटमॉस्फेयर तब ये बर्न हो जाएगी, और इसका जो मटेरियल होगा, एशेस होंगे, बायोडिग्रेडेबल मटेरियल होगा, वो फ्यूचर सैटेलाइट्स को फर्दर सेंड करने के लिए उसकी स्टडी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाएगी, ठीक है। और इस पर्टिकुलर वुड को, मैग्नोलिया वुड जो है वो इंटरनेशनल स्पेस सेंटर में इसकी स्टडी की गई, लेटर ऑन इसे डिसाइड किया गया कि इस मटीरियल को चूज करेंगे फॉर द सैटेलाइट, ठीक है। ओके, वेयर डज द 16th वर्ल्ड सोशल फोरम कॉन्फ्रेंस हेल्ड, आपको बताना है वर्ल्ड सोशल फोरम कॉन्फ्रेंस कहाँ हेल्ड हुई 16th। ये जो कॉन्फ्रेंस है ये पर्टिकुलरली की जाती है जो सिविल सोसाइटी के लोग रहते हैं, एनजीओस हो गई, लोग हो गए जो वर्ल्ड की और सोसाइटी की पीस के लिए, उसकी ग्रोथ के लिए काम करते हैं, उनकी एक कॉन्फ्रेंस की जाती है इस बात पे डिस्कस करने के लिए कि किस तरह से वर्ल्ड को एक बेटर प्लेस फॉर लिविंग बनाया जा सकता है, पीस को एंश्योर किया जा सकता है, ठीक है। तो आपको बताना है इस साल ये कॉन्फ्रेंस कहाँ हुई, कोलंबो, ढाका, दिल्ली और काठमांडू। सो दिस वॉज हेल्ड इन काठमांडू, ठीक है। और अगर हम पहली बात करें कि पहली कहां हुई थी, दैट वाज फर्स्ट वाज हेल्ड इन द ब्राजील,
तो सिविल सोसाइटी के, ये कोई पॉलिटिकल सेटअप नहीं है, गवर्नमेंट सेटअप नहीं है, गवर्नमेंट इसमें इन्वॉल्व नहीं होती, सिविल सोसाइटी के लोग इन्वॉल्व होते हैं, जो जनरल पब्लिक जो सोसाइटीज के लिए काम करती हैं, कंट्री के लिए, लोगों के लिए, आम जनता के लिए काम करती हैं, उनकी एक कॉन्फ्रेंस होती है जो बाद में डिस्कस करते हैं कि किस तरह से पीस को, ग्रोथ को, डेवलपमेंट को एंश्योर किया जा सके. ठीक है, ओके. हु इज इलेक्टेड एज अ न्यू किंग ऑफ मलेशिया? तो रिसेंटली न्यू किंग ऑफ मलेशिया इलेक्ट हुए हैं. देखिए, ये एक आप यूनिक फीचर है मलेशिया का, ही किंग है लेकिन किंग इलेक्ट हो रहे हैं. ठीक है, लोग चुन रहे हैं उनको. नॉर्मली किंग क्या होते हैं, हेरिडिटरी होते हैं, कि जो राजा है उसका बेटा फर्दर राजा बनेगा. बट मलेशिया में ये यूनिक आप एक तरह से कहें प्रोविजन है कि वहां पे जो किंग है वो इलेक्ट किए जाते हैं. और आपको बताना है कि इस बार कौन इलेक्ट हुए हैं. सुल्तान इब्राहिम सिकंदर, अल सुल्तान अब्दुल्ला, सुल्तान अहमद शाह, सुल्तान मोहम्मद वी. तो अगर मलेशिया की बात करें ना, तो वहां पर टोटल ना 13 स्टेट्स हैं. ठीक है, जिसमें से 9 जो है वो रॉयल फैमिली ओन करते हैं. और इन्हीं 9 स्टेट्स में से हर साल एक किंग चुना जाता है. तो डेमोक्रेसी तो है, लोग तो चुन रहे, लेकिन ट्रू फॉर्म में नहीं आप कह सकते. क्योंकि ट्रू डेमोक्रेसी क्या होती है, जहां पे आपके पास ज्यादा चॉइसेस हो. ठीक है, लिमिटेड चॉइस में जब आप लोगों को चुनते हैं, दैट इज नॉट अ ट्रू डेमोक्रेसी. तो यहां पर क्या 13 स्टेट्स हैं, उसमें से 9 में रॉयल फैमिलीज रहती है, और उन्हीं में से, उन्हीं 9 रॉयल फैमिलीज में से हर 5 साल के बाद एक राजा चुना जाता है. और इस साल जो चुने गए हैं, दैट इज सुल्तान इब्राहिम सिकंदर. ठीक है, और अगर उनकी फैमिली की बात करें, रॉयल फैमिली किससे वो बिलोंग करते हैं, सो ही बिलोंग्स टू जोहोर. ठीक है, हमारी नेबरिंग कंट्री है मलेशिया, तो हमें इसके बारे में पता होना चाहिए. और दैट वॉज इन द न्यूज इन द फेब्रुअरी. बड़े आगे, सो दिस इज द डिटेल डेटा जो आप एक बार रीड आउट कर सकते हैं. ठीक है, वही जो मैंने आपको डिस्कस किया कि किस तरह से इलेक्ट किया जाता है, वही सब यहां लिखा है. ठीक है, ओके. हु वॉन द अंडर 19 ओडीआई वर्ल्ड कप? आपको बताना है अंडर 19 वन डे इंटरनेशनल वर्ल्ड कप किसने जीता? इंडिया, ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड या फिर साउथ अफ्रीका? ठीक है, और ये 15th था, it was 15th. So the correct answer is Australia. Australia ने जीता है 15th under 19 ODI World Cup. ठीक है, और इंडिया को हराया है इसने. और अगर इंडिया की बात करें, तो इंडिया अभी तक under 19 5 बार जीत चुका है, 2000 में, 2008, 2012, 2018 और 2022 में. ठीक है, और ये मैच की बात करें कहां हुआ था, साउथ अफ्रीका में, विलमोर पार्क में. ठीक है, लोकेशन भी पूछ सकते हैं, एक्स्ट्रा नॉलेज के लिए आप रख सकते हैं ध्यान में. तो अंडर 19 वर्ल्ड कप जो हुआ था, क्योंकि ओडीआई वर्ल्ड कप तो सबको याद होगा, जहां पे इंडिया हार गई थी बहुत कोशिशों के बावजूद, और सबको बहुत ज्यादा दुख हुआ था. बट अंडर 19 वर्ल्ड कप ये भी पूछ सकते हैं, बिकॉज यहां इस पर ज्यादा ध्यान नहीं जाता. ठीक है, नेक्स्ट, हु वॉन हॉकी विमेन्स वर्ल्ड कप 2024? आपको बताना है विमेन्स हॉकी वर्ल्ड कप वो किसने जीता है 2024 का? ऑस्ट्रेलिया, इंडिया, नीदरलैंड, इंग्लैंड. तो ये सब जो मैं आपको लेके आई हूं ना क्वेश्चंस, ये कोई वेग क्वेश्चंस नहीं है, ये ऐसे ही कहीं से भी उठाए हुए नहीं है, ये सब वो न्यूज है जो फरवरी मंथ में टॉपिक्स हाईलाइटेड रहे हैं इंटरनेशनल फ्रंट पे. ठीक है, तो उसी पे ये क्वेश्चंस हैं, और यही क्वेश्चंस पूछे जाते हैं. अगर आपसे कोई अवार्ड पूछा जाएगा, कोई आपसे पूछा जाएगा वर्ल्ड कप, कोई पूछा जाएगा कोई विनिंग चीज किसी ने जीती है, कोई पर्सन पूछा जाएगा, तो मोस्टली वही होते हैं जो न्यूज में रहे होते हैं. ठीक है, तो आपको बताना है विमेन वर्ल्ड कप 2024 किसने जीता? ऑस्ट्रेलिया, इंडिया, नीदरलैंड और इंग्लैंड. एंड द करेक्ट आंसर इज नीदरलैंड. ठीक है, नीदरलैंड ने इंडिया को डिफीट किया. एंड ये जो वर्ल्ड कप है वो मस्कैट में हुआ था, ओमान में. ठीक है, ओमान मस्कैट में हुआ था. ओके, वर्ल्ड हाईएस्ट रेलवे ब्रिज इज लोकेटेड इन विच कंट्री? आपको बताना है हाईएस्ट रेलवे ब्रिज. ठीक है, वर्ल्ड का हाईएस्ट रेलवे ब्रिज, ध्यान रखिए नॉर्मल ब्रिज नहीं है, रेलवे ब्रिज है, वो कहां लोकेटेड है? यूएस, यूके, इंडिया, फ्रांस? ये तो बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है. ठीक है, एंड द करेक्ट आंसर इज इंडिया. ठीक है, जो चिनाब ब्रिज जो इनॉग्रेट हुआ था फेब में, That is the world highest railway bridge, जिसने Eiffel Tower को भी क्रॉस कर दिया है. And the height is around 359 meter, जो around 35 meter ज्यादा है किससे? Eiffel Tower से. ठीक है, तो चिनाब ब्रिज जो कोड़ी और बक्कल, रियासी डिस्ट्रिक्ट में जो दो
आप कहें प्लेसेस है कौड़ी और बक्कल, उसके बीच में ये चिनाब ब्रिज बना है और चिनाब रिवर पे बना है और वर्ल्ड का हाईएस्ट रेलवे ब्रिज है। डेटा की बात करें तो दिस इज सम मोर इंफॉर्मेशन जो आपको पता होनी चाहिए। एक भारत श्रेष्ठ भारत के अंडर इस जो रेलवे ब्रिज को है बनाया गया है, पार्ट किसका है, उधमपुर श्रीनगर बारामूला रेलवे लिंक का। ठीक है, बड़े आगे आगे न्यूज में रहा जम्मू एंड कश्मीर से रिलेटेड शाहपुर कंडी डैम, दिस वॉज इन द न्यूज। सो आपको बताना है कि ये कौन सी रिवर पर है, चिनाब, ब्यास, रावी या सतलुज। जैसे मैंने आपको कहा था हम कवर करेंगे इंटरनेशनल न्यूज और जम्मू एंड कश्मीर से रिलेटेड, तो एक तो न्यूज रही थी चिनाब ब्रिज से रिलेटेड, दूसरा था शाहपुर कंडी डैम, और आपको बताना है ये कौन सी रिवर पर है, चिनाब, ब्यास, रावी या सतलुज। सो बात करें तो इट इज ऑन द रावी रिवर। ये जो डैम है ये रावी रिवर के ऊपर बनाया गया है एंड मोस्टली इससे बेनिफिट होगा जम्मू एंड कश्मीर का जो कंडी रीजन है, कठुआ का, सांबा का रीजन, जहां पे पानी की अवेलेबिलिटी बहुत कम है, वहां पे ये फार्मर्स को इरिगेशन की फैसिलिटीज प्रोवाइड करेगा और साथ ही पंजाब में भी प्रोवाइड करेगा। तो ये जम्मू एंड कश्मीर और पंजाब के बॉर्डर पर है। रंजीत सागर डैम का जो अपस्ट्रीम वाला एरिया है वहां पर इसे कंस्ट्रक्ट किया गया है, शाहपुर कंडी डैम को। ठीक है, और इससे जो पानी, रावी नदी का पानी जो पाकिस्तान में जा रहा था अराउंड 12,000 क्यूबिक मीटर, उसको स्टॉप कर दिया गया और उसी पानी को यूटिलाइज किया जाएगा जम्मू एंड कश्मीर के कंडी रीजन के लिए और पंजाब का जो बॉर्डर एरिया जम्मू कश्मीर से लगता है वहां के फार्मर्स के लिए, फॉर प्रोवाइडिंग इरिगेशन फैसिलिटीज। ठीक है, क्लियर हुआ। सो ये डिटेल जो मैं आपसे डिस्कस कर चुकी हूं आप इसे पॉज करके रीड कर सकते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन रिलेटेड टू जम्मू एंड कश्मीर। ये रिसेंटली बुक है, इसे लॉन्च किया था एलजी ने, हमारे लेफ्टिनेंट गवर्नर ने, जम्मू एंड कश्मीर यूनियन टेरिटरी के। तो ये न्यूज में रही है, आपको बताना है ये पर्टिकुलर बुक कश्मीर आफ्टर कल्हान ये किसने लिखी है। बुक एंड ऑथर भी एग्जाम में पूछे जाते हैं और इस बुक को लॉन्च हुआ है, लॉन्च किया गया रिसेंटली, तो आपको बताना है इसका ऑथर कौन है। डॉक्टर रमेश तमीरी, डॉक्टर आर एल भट्ट, निताशा कोल, मिर्जा वाहिद। सो द करेक्ट आंसर इज डॉक्टर आर एल भट्ट। ठीक है, कश्मीर आफ्टर कल्हान ये रिलीज, इसके ऑथर हैं डॉक्टर आर एल भट्ट। ठीक है, और इन्होंने बताया है कि जो भी हिस्टोरिकल इन इनक्यूरेसीज रही हैं कश्मीर की हिस्ट्री को अंडरस्टैंड करने में, वो किस तरह से उसमें चेंजेस आए हैं, उन सब के बारे में डिटेल में डिस्कस किया गया है इस पर्टिकुलर बुक में, दैट इज कश्मीर आफ्टर कल्हान। एक और बुक न्यूज में थी, दैट इज द अनटोल्ड स्टोरी ऑफ विक्टिम्स, पाकिस्तान इन्वेजन, ये इसका नाम जो है यहां से स्टार्ट है। ठीक है, सो पाकिस्तान इन्वेजन ऑफ जम्मू एंड कश्मीर, द अनटोल्ड स्टोरी ऑफ द विक्टिम्स, ये न्यूज भी रिसेंटली जो है लॉन्च की गई थी, आपको इसके ऑथर बताने हैं डॉक्टर रमेश तमीरी, निताशा कोल, दीनानाथ वली, फारूक नाजकी। सो द करेक्ट आंसर इज डॉक्टर रमेश तमीरी। इन्होंने ये बुक लिखी है और इस बुक में जो 1947 में इन्वेजन हुई थी पाकिस्तान की तरफ से हमारे देश में, जो पीओके फिर उन्होंने छीन लिया हमसे, दैट पोर्शन पे उन लोगों ने जो जो विक्टिम्स वहां के रहे हैं उनके एक्सपीरियंसेस क्या थे, क्या क्या उन्होंने फेस किया, उसके बारे में इस पूरी इस बुक में डिटेल में लिखा गया है। ठीक है, सो दिस बुक इज रिगार्डिंग जो इन्वेजन हुई थी वहां पे, विक्टिम्स का क्या एक्सपीरियंस रहा उनके बारे में, उनके इंटरव्यूज, उन्होंने जो जीनोसाइड देखा, उनके जो आंखों देखा हाल जो है एक तरह से इस किताब में लिखा गया है। ठीक है, ओके, क्वेश्चन नंबर 17, इन विच सिटी पीएम लेड द फाउंडेशन स्टोन ऑफ इंडस यूनिवर्सिटी रिसेंटली। इंडस यूनिवर्सिटी ये किस सिटी में इसका फाउंडेशन स्टोन, रिसेंटली प्रधानमंत्री मोदी ने इसका जो फाउंडेशन स्टोन है वो रखा है, ये कौन सी सिटी में है आपको बताना है। श्रीनगर, जम्मू, लेह, लद्दाख, ये भी जम्मू एंड कश्मीर से रिलेटेड न्यूज है, दिस यू नीड टू नो, एंड द करेक्ट आंसर इज लद्दाख। लद्दाख में रखा गया है इंडस यूनिवर्सिटी का फाउंडेशन स्टोन। नेक्स्ट इज हु रिसेंटली बिकेम द फर्स्ट एवर वुमेन सीएम ऑफ प्रोविंस इन पाकिस्तान। पाकिस्तान की पहली बार, देखिए कहां 21st सेंचुरी में वर्ल्ड है और पाकिस्तान में अभी पहली बार वुमेन प्रोविंस की सीएम बनी है। प्रोविंस हमारे यहाँ स्टेट होती है, वहां प्रोविंस कहा जाता है, तो वुमेन्स कहां से कहां पहुंच गई और पाकिस्तान में अब जाके 2024 में पहली वुमेन प्रोविंस की सीएम बनी है, स्टेट की चीफ मिनिस्टर बनी है। आपको बताना है वो कौन है, अस्मा जहांगीर, फातिमा जिन्ना, बेनजीर भुट्टो और मरियम नवाज।
एंड द करेक्ट आंसर इज मरियम नवाज, जो कि पंजाब प्रोविंस के लिए चुनी गई है, नेबरिंग कंट्री है, ये भी इंपॉर्टेंट हो जाता है हमारे लिए, क्योंकि अभी 2024 में जाके फर्स्ट वीमेन सीएम है पर्टिकुलर प्रोविंस की, दैट इज पंजाब। ठीक है, नेक्स्ट है, सिटी इज होस्टिंग 30 मिनिस्ट्रियल कॉन्फ्रेंस ऑफ WTO. WTO इज अ वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, वर्ल्ड में जिस तरह के बिजनेस होते हैं, जो भी ट्रेड होता है उसे रेगुलेट करने के लिए, उसके रूल्स बनाने के लिए, किसी कि हर एक कंट्री को, चाहे डेवलपिंग हो डेवलप्ड हो, उन्हें इक्वल रिप्रेजेंटेशन मिले, इन सब चीजों का ध्यान रखने के लिए इस ऑर्गेनाइजेशन को बनाया गया था 1995 में। ठीक है, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन को, इसकी रिसेंटली 13th मिनिस्ट्रियल कॉन्फ्रेंस हुई है, आपको बताना है वो कहां हुई है। न्यूयॉर्क, न्यू दिल्ली, अबू धाबी, जकार्ता, सो दिस इज हेल्ड इन अबू धाबी। अगर WTO की बात करें तो आपको उसके हेडक्वार्टर का पता होना चाहिए, दैट इज इन द जेनेवा स्विट्जरलैंड। कंट्रीज की बात करें तो मेंबर्स आर टोटल 164 कंट्रीज। ठीक है, 1995 में ये एग्जिस्टेंस में आती हैं। सबसे पहले ब्रेटन फूड कॉन्फ्रेंस थी, जिसपे वर्ल्ड में ट्रेड को रेगुलेट करने के लिए एक कॉन्फ्रेंस बैठी गई है, बैठी गई थी, ब्रेटन फूड कॉन्फ्रेंस जिसको बोलते हैं, जो लेटर ऑन लीड टू द फॉर्मेशन ऑफ IMF एंड वर्ल्ड बैंक, जिसको ब्रेटन वुड ट्विंस भी कहते हैं, वर्ल्ड बैंक को और IMF को, कि वर्ल्ड में जो डेवलपिंग कंट्री है, जब वर्ल्ड वॉर टू खत्म हो जाता है उसके बाद देखते हैं कि अब पूरे वर्ल्ड में इकोनॉमी बहुत लो लेवल पर जा चुकी है, जो डेवलपिंग कंट्रीज है उनको फाइनेंसिस की जरूरत है, सबको एक साथ मिलकर आगे बढ़ने की जरूरत है, तो दो ऑर्गेनाइजेशन को एस्टैब्लिश किया जाता है, IMF और वर्ल्ड बैंक, जो सपोर्ट करेंगे पूरे वर्ल्ड को उनकी डेवलपमेंट के लिए, फाइनेंसिस सपोर्ट भी प्रोवाइड की जाएगी। ठीक है, उसी की एक मीटिंग होती है 1995 में यूरोगो, उसका जो राउंड होता है, अलग अलग स्टेट्स में वो फर्दर मीट करते रहते हैं एयरली बेस पे, और लेटर ऑन वो एक और ऑर्गेनाइजेशन को, फॉर्मेशन को लीड करते हैं, दैट इज वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, जो फॉर्म होती है 1995 में, जिसका सोल आप कहें फोकस है वो ट्रेड से रिलेटेड है। ठीक है, तो वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन लीड टू कम्स इन एग्जिस्टेंस इन 1995, जिनेवा में उसका हेडक्वार्टर है और 164 इसके मेंबर्स हैं। तो ट्रेड को रेगुलेट करती है ये, वर्ल्ड पूरे वर्ल्ड में होने वाले ट्रेड को, चाहे वो आप बोले एग्रीकल्चर प्रोडक्ट से रिलेटेड हो या बाकी प्रोडक्ट से। जब IMF की बात थी तो वहां पर एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स इंक्लूड नहीं थे, ठीक है, वो जनरल ट्रेड को रेगुलेट करता था, बट जब वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन आया उसका मेन फोकस यही था कि मार्केट में अब एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स का ट्रेड भी वर्ल्ड में लार्ज स्केल पे हो रहा था, और उसके बेसिस पे बहुत ज्यादा इनइक्वालिटीज देखने को मिल रही थी, इसीलिए वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन को लाया गया। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन ऑफ टुडे सेशन इज, विच टाउन ऑफ जम्मू एंड कश्मीर इज सेट टू डेवलप एज हेरिटेज टाउन एंड अरोमा स्टार्टअप डेस्टिनेशन। ये डॉक्टर जितेंद्र सिंह, जो हमारे यहाँ से MP हैं, उन्होंने ये अनाउंस किया था कि जम्मू एंड कश्मीर के एक पर्टिकुलर टाउन को बनाया जाएगा एज अ हेरिटेज टाउन एंड अरोमा स्टार्टअप डेस्टिनेशन। आपको बताना है वो कौन सा है, गुलमर्ग, बसोली, रामबन, किश्तवाड़। ये बनाया नहीं गया है, इट हैज बीन जस्ट टारगेटेड, तो बताइए कौन सा है, एंड द करेक्ट आंसर इज बसोली। ठीक है, इसके साथ हमारे जो फरवरी मंथ के इंटरनेशनल और JNK से रिलेटेड न्यूज है वो खत्म होते हैं। नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में हम मार्च से रिलेटेड करंट अफेयर्स को डिस्कस करेंगे इन द फॉर्म ऑफ MCQs ओनली। ठीक है, आप मुझे कमेंट सेक्शन पे जरूर बताइएगा कि आपको डिटेल एनालिसिस ज्यादा बेटर लगा कि ये MCQ बेस पे करंट अफेयर्स को करना ज्यादा बेटर था। ठीक है, सो दैट इज इट फॉर टुडेज लेक्चर, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में नए करंट अफेयर्स के साथ। टिल देन टेक केयर, कीप वर्किंग हार्ड।